चल रही है, यानी तापमान गर्म है, लेकिन सियासी पारा यूपी में थर्मामीटर तोड़ दे तो हैरानी नहीं। समाजवादी पार्टी 2022 में कहती है लोकतंत्र की क्रांति होगी। जाहिर है उसकी अपनी नजर है और उसकी नजर में उसका वोट बैंक है। इधर बीएसपी ने कुछ कुछ अंगड़ाई ली है और मुंह खोला तो लगे हाथ बयान दे दिया कि चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी को अंबेडकर याद आए। जाहिर है बीएसपी को अपने वोट बैंक की चिंता है। बीजेपी का बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा, किला बचाना जो है, क्योंकि इस किले से 2024 तक की राजनीति का सफर तय हो जाएगा। किसी ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और यहां तक के वादे कर डाले कि 5 मुख्यमंत्री देंगे, बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। जाहिर है जनता सबकी नजर में है और जनता की नजर में सब हैं। अब यूपी के चुनावी घमासान पर होगी चर्चा, कौन कितने पानी में और किसकी कितनी तैयारी होगी, आज इसी पर बात। भैया जी कहीं में आपका स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जनाब आज चर्चा इसी पर कि आखिर जो घमासान, चुनावी घमासान है, बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, आखिर उसका कि इसकी हवा, उसका पानी, उसका कितनी गहराई, कहाँ कुछ ठहरती है, आज इसी पर बातचीत। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बगैर किसी लाग लपेट के उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिशुपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी। और देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, चुनाव की समीक्षा करने वाले और नज़र रखने वाले संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर सवाल तो आप ही के पास आना है कि कहाँ कौन कितने पानी पे अगर मौजूद है। संजय कुमार जी मैं निश्चित तौर से आपके पास आऊँगा, लेकिन जो चुनावी घमासान मचा हुआ है उसका एक 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 सिरा जरूर ये है कि आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई राजनीति जो है वो जन्म ले रही है और 2022 में लोकतांत्रिक क्रांति होगी। सवाल यह है कि उन्होंने कोई भी जो पक्ष है छोड़ा नहीं है, उन्होंने एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवा सबको शरीक किया है। जाहिर सी बात है चुनाव है, कोई छूटना नहीं चाहिए। शिशुपाल यादव जी यह जानना चाहता हूं कि कौन सी लोकतांत्रिक क्रांति होगी और नई राजनीति कौन सी जन्म लेने वाली है, जानना बहुत जरूरी। समाजवादी पार्टी के समर्थक शिशुपाल सिंह यादव जी। जी श्रीमान जी, नई क्रांति इसलिए होगी कि अब बीजेपी ने अपना नया काम शुरू कर दिया है, लोगों को धमकाना, प्रशासन का, शासन का भय दिखाकर लोगों को डराना, उनके पर्चे वापस कराना, उनको चुनाव में खड़े नहीं होने देना। जिला पंचायत के इलेक्शन आजकल चल रहे हैं, तमाम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बुलडोजर से उनकी संपत्ति को तहस नहस किया जा रहा है, उनके मार्केट तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, अनावश्यक अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इससे जनता प्रभावित हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब मूक दर्शक बनी देख रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी और जरूर क्रांति होगी। जब किसी चीज़ को ज़्यादा दबाया जाता है तो उतने ही तेजी से वो ऊपर उठती है। ये गुरुत्वाकर्षण का मतलब एक सिद्धांत है, उसी के तहत ये सब होना है। जनता बहुत जोरों से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और मत देकर आपकी सफल राइट। मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया, मैं इस वक्त सतीश प्रकाश जी आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। आपने मायावती जी का एक बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आए तो अंबेडकर जी याद आ गए, सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि कुछ समय तक शोषित पीड़ित अन्यायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय तक उपेक्षा और उत्पीड़न होना रहा। ओपनिंग रिमार्क सबसे पहले जी सतीश प्रतीक जी, ये बाबा साहब को किसी एक वर्ग विशेष से जोड़ रहा,
कहीं ना कहीं उनके उनकी जो व्यक्तित्व है उसको कमजोर करना है। बाबा साहब सिर्फ दलितों तो के नहीं है, बाबा साहब मायावती जी से, मायावती जी से गड़बड़ हुआ है। नहीं नहीं आप सुनिए ना, आप मेरी बात को सुनिए, बाबा साहब सबके हैं। देखिए बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की ना मानना, ये दोनों चीजों में अंतर है, मान लीजिए इसको। इसी उत्तर प्रदेश में 7,500 बाबा साहब की तस्वीरों को जब गिराया गया, जब उनको क्षतिग्रस्त किया गया, इवन बाबा साहब की तस्वीर और दलितों का जो रंग है, बाबा साहब का एक बड़ा पॉपुलर रंग है, उनका रंग नीला होता है, उनकी तस्वीरों का रंग नीला होता है, उन तस्वीरों के रंग को जिन लोगों ने भगवा रंग रंग दिया, तो तब सरकार सॉरी थी क्या? दूसरी बात, बाबा साहब की तस्वीर लगाइए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी है, जो इस देश में और उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षिक रूप से कमजोर है, उन वर्गों की जो लड़ाइयां थी, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार बढ़ा, सरकार सॉरी थी। और ये सरकार जो है, अगर आप योगी जी की सरकार की बात करेंगे तो आप 2017 का चुनाव देखिए ना, 2017 के चुनाव में आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री की बात की थी, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ों के नाम पे पिछला मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आपने वोट मिली थी, लेकिन जब आपको बहुमत मिल जाता है तो आप पिछड़ों को पीछे कर देते हैं और योगी जी को आगे कर देते हैं। आज वो आपके सहयोगी रामचंद्र राजभर जी, आज आपके सहयोगी संजय निषाद जी और तमाम लीडर्स ये पूछ रहे हैं कि आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, आपने दलितों के साथ धोखा किया है, आपने जो अल्पसंख्यक है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपने ऐसी भावना को, जो असुरक्षा की भावना है। देखिए प्रतीक जी, चुनाव आएंगे, हम नारे की बात नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, हमने ये काम करके भी दिखाया है 2007 से लेकर के 2012 इस बार सतीश प्रकाश जी, मैं आऊंगा, मैंने अभी आपका ओपनिंग रिमार्क लिया है, मैंने बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क लिया है आपका, मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगा और ये सवाल पूछा भी जा रहा है और ये सवाल मैं एक तरह से संजय जी के पास भी ले जाना चाहता हूं कि बसपा इस बार उतनी मुखर क्यों नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश में, अभी जहां तक सवाल है। मैं बिल्कुल सतीश जी मैं आपसे भी सवाल रखूंगा, लेकिन बीजेपी के पास मैं आना चाहता हूं, क्योंकि शर्मा जी, शिशुपाल यादव जी ने भी अभी कहा और सतीश प्रकाश जी, शिशुपाल जी ने तो कहा कि भय का वातावरण दिखाया जा रहा है और गुंडागर्दी का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि हो रहा है और जबरन मकान तोड़े जा रहे हैं और इसकी बिना पर एक नई राजनीति का जन्म होगा, 2022 में क्रांति होगी, लोकतांत्रिक क्रांति। के शर्मा, ओपनिंग रिमार्क आपका। नहीं बिल्कुल, ये जो बात शिशुपाल जी ने कही और जो सतीश जी ने कही, वो इनका वो अनुभव है प्रतीक जी, क्योंकि अभी जो वहाँ पर अवैध मकान गिराए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो इन तरह की पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के हैं, जो अवैध रूप से मकान बने हैं, जिनको लोगों ने, पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने रहते हुए देखा है, क्योंकि किस तरह से अवैध थे, तो दर्द तो होगा ही, क्योंकि वही सब जो है बाहुबली इनके तो मित्र थे, इनके साथ के लोग हैं, तो वो सब उनका दर्द तो शिशुपाल जी को होगा। लेकिन मैं आपको पुनः स्पष्टता के साथ कहूं कि देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है और ये एक नहीं दो तीन टर्मों से आप तो महसूस भी कर रहे होंगे प्रतीक जी, कि उत्तर प्रदेश में अब न ही जाति धर्म, न ही तुष्टीकरण, इन सब चीजों से ऊपर उठ के परिवारवाद, वंशवाद, इन सब तरह की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है और वो विकासवाद की राजनीति की तरफ उन्होंने रुझान उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो ये जिस तरह से ये परिवारवादी पार्टियां, ये वंशवादी पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां वहां पर खड़े होकर अपने आप को जो सोच रहे हैं कि हम जातियों के आधार पर, इसके आधार पर, ये सारी, और इसको मैं उदाहरण के साथ भी बता सकता हूं प्रतीक जी, आप कहें तो, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके ध्यान में ही होगा, हमेशा ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कि 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जो वर्ग विशेष की हैं। मैंने ओपनिंग रिमार्क ले लूं उसके बाद लोकसभा, हाँ, लोकसभा की यदि चुनाव लड़ने हैं आप, यदि काउंटिंग में है, तो आप ये मान लीजिए कि 25-30 सीटें तो पहले इनको मिल चुकी होंगी, तब भाजपा अपनी गिनती चालू करे, या विधानसभा में 125 सीटें जो एक वर्ग विशेष की हैं उसके बाद अपनी गिनती चालू करे। तो पिछले चुनावों में, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017, हम 80 में से 73 सीट जीते, हम दूसरी बार 67 सीट जीते लोकसभा में और 312 सीट हम जीते 400 में से। तो हमने वो धारणाओं को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से, जो ये धर्म विशेष पर, जाति विशेष के आधार पर
जिस उसको मानते थे कि यहां से या यहां तो भाजपा जीत ही नहीं सकती इन सब सीटों को, वो सारी सीटों को हम जीत कर आए हैं। इसलिए हम आपसे कह सकते हैं कि आप वहां पर धर्म जाति तुष्टीकरण और परिवारवाद वंशवाद की राजनीति को समाप्त करके विकासवाद की राजनीति को हमने वहां नई शुरुआत की जी। सतीश जी को जवाब देना चाह रहे थे, बस वेरी क्विक। सतीश जी वेरी क्विक। नहीं देखिए, केकेआर शर्मा जी ने एक बात कही कि जातिवाद क्या है। अगर जातिवाद को खत्म करना जातिवाद है या जातिवाद को बना के रखना जातिवाद है। आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार में तीन तीन मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों के मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से, दलित आपके एजेंडे में आते नहीं है। तो जातीय व्यवस्था को अगर आप कानून व्यवस्था और जो आप मुख्यमंत्री के पद है उनमें भी जाति का घोर लगा रहे हैं तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए सुनिए, जाति गरीब की नहीं होती, मरने वाला किसी भी जाति का हो, कोरोना की महामारी में मरने वाला जी सतीश जी राइट राइट सतीश जी आप देख लिया पॉइंट सतीश जी सामाजिक रूप से कमजोर सतीश जी कोरोना ये नहीं देखता कि मरने वाले सतीश जी मैंने पॉइंट आपका लिया मरने वाले लोग मरे केके शर्मा रिस्पॉन्ड करिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए जी वेरी क्विक केके शर्मा वेरी क्विक रिस्पॉन्स करता हूं सतीश जी ने इसके पहले एक बड़ी झूठ आपके चैनल पे बोली और मैं दावा के साथ भी कह सकता हूं वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको जातिवादी ही राजनीति करनी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव जब चुनाव हुए थे इन्होंने कहा था कि हम पिछड़ी जाति क्या वो बनाएंगे। कहीं ऐसा आप जानते हैं प्रतीक जी, कम से कम भाजपा इस तरह का कोई भी घोषणा नहीं करती है और इसलिए हमने स्पष्टता से क्लियर किया। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये जातिवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जातिवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको ये बात है, इसलिए ये शब्द लेकर आते हैं। बस प्रतीक जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनकी राजनीति का मूल यही है, इनका मूल यही है, जातियों पर ही राजनीति करना चाहते हैं। मैंने दोनों का पॉइंट लिया, इनके पास सोच नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी कोई मामला नहीं है इनका। सुरेंद्र राजपूत जी राइट, आई हैव टेकन योर ओपन 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 करूं इस डिबेट। से पहले सुरेंद्र राजपूत जी को अपना ओपनिंग रिमार्क कहने का पूरा हक है, टेक्निकल इशू था इसलिए वो नहीं आ पाए। सुरेंद्र राजपूत जी सवाल आपने देख लिया, ओपनिंग रिमार्क आपका, और कोई आपके ओपनिंग रिमार्क पे कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी और फिर वाद प्रतिवाद जो भी है आपका शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति सबके अपने अपने पलटवार, आपका क्या है, लोग जानना चाहते हैं कांग्रेस का क्या है आखिरवार और किस तरफ है और कहां पहुंचेंगे। पिछली बार तो आपने दो युवाओं को देखा था हमने, लेकिन इस बार क्या है ये जानना चाहते हैं लोग। सुरेंद्र राजपूत जी जी प्रतीक भाई, सच बात यह है कि आपसे बेहतर उत्तर प्रदेश को कौन जानता है। आप जानते हैं कि बदलाव की बयार बह रही है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं और राजनीतिक जो जवाब हैं वो भी चारों तरफ सब बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आप ये भी जान रहे हैं प्रतीक भाई कि उत्तर प्रदेश में छल कपट झूठ प्रपंच की राजनीति चल रही है, गंगा के किनारे के शमशानों को कब्रिस्तान बनाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की कमी से मार डाला, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता में कहीं ना कहीं आप देखें महिलाओं के प्रति अपराध में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, बेरोजगारी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, ये सारी की सारी चीजों का जवाब जनता इन्हें देगी। एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं आपके सामने अपनी कमजोरी भी स्वीकार करता हूं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मायावी पार्टी से लड़ने के लिए किसी के पास भी ताकत नहीं है, बड़े मायावी लोग हैं ये, छल कपट, कभी ये लोग सोने का हिरण बना देते हैं, कभी आदमी को दस सर कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये मायावी लोग हैं, कभी कभी भगवान गणेश को दूध पिला देते हैं एक घंटे में, तो मायावी लोग हैं, इनसे हम वैसे नहीं, इनसे तो हम जनता ही लड़ेगी, जनता के नेतृत्व में सारी विपक्षी पार्टियां इनके मुखालिफ लड़ेंगी और जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार करिए। आप देखिए अब जनता से डरने लग गए ये लोग, चूंकि पंचायत के चुनाव आपने देख लिए किस तरीके से डीएम और एसपी इनके पंचायत अध्यक्ष बनवा रहे हैं, जब डीएम और एसपी प्रतीक भाई पंचायत अध्यक्ष बनवाएंगे तो वो पंचायत अध्यक्ष जनता के प्रति जवाबदेह होगा या डीएम और एसपी के प्रति जवाबदेह होगा, वो भाजपा के प्रति भी जवाबदेह नहीं होगा, ये बात देखने वाली है। तो आने वाले समय में रियल इश्यूज पर हम लोग बात करेंगे और रियल इश्यूज के सारी की सारी चीजें जो है वो जनता के सामने आएंगी और जनता इनको प्रतिकार देगी। हम तो बहुत जिम्मेवार, बिल्कुल जनता सब देख रही है, जनता के सामने सब है और
पार्टियां जो हैं वो जनता को देख रही हैं। सवाल जब मैं बिल्कुल आ रहा हूं के शर्मा जी, बिल्कुल आपके पास है, डिबेट नाउ इज ओपन। अब सवाल ये है कि ऑफ कोर्स कौन है प्रतिद्वंदी, ये एक सवाल है संजय कुमार जी, ये भी आपके पास आएगा कि सवाल, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, मुखातिब हूंगा कि कौन है जो इस समय टक्कर दे रहा है किले को, ये जानना चाहते हैं लोग, कौन कहां खड़ा हुआ है। संजय कुमार जी एक तो सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि जिसको कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले रखा कि जो पॉपुलैरिटी थी, जो मुद्दे थे, और उसमें गंगा का भी उदाहरण दे दिया, गंगा में बहती हुई लाशों का भी उदाहरण दे दिया, क्या कुछ गिरा है, क्या कुछ कहां पर ग्राफ मौजूद है, ये भी लोग जानना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स विश्लेषण में वो भी आएगा। क्या के शर्मा, नाउ द डिबेट इज ओपन, सारी बात कही जा सकती है, लेकिन बस एक नियम है डिबेट का, और वो ये कि एक जब बोले तो दूसरा सुने, दूसरा जब बोले तो जो पहले वाला था उसको सुने, आराम से, बीच में टोका टपी ना हो तो बहुत अच्छी डिबेट चलेगी। क्या के शर्मा, बीजेपी, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे, मायावी और ये मायावी कौन है प्रतीक जी, ये तो सारी देश जो है पूरा यह देश जान चुका है, पाखंडी कौन है, मायावी कौन है, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर चुनाव के समय घूमे, और है वो उससे बड़ा मायावी और पाखंडी कौन हो सकता है, तो ये तो स्पष्ट है। एक तरफ दूसरी बात करें, दूसरी तरफ मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो है हमेशा से, यानी आज से नहीं पिछले 70 साल से जो पार्टी निरंतर लगी हो, उससे बड़ा जो है पाखंडी, और अभी जो है सबसे बड़ा राम नामी चादर पहन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाखंडी और मायावी कौन हो सकता है। और यही नहीं, पूरे समय ने देश को शर्मसार इन्होंने किया, और देश को बदनाम करने में भी ये कांग्रेस वाले पीछे नहीं रहे, क्या नहीं कहा, हिंदू आतंकवाद से लेकर जो है भगवान राम के अस्तित्व तक में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने वाले। सवाल आता है आपके पास, आप तैयार होइए के शर्मा जी। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, जी 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 बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ रिस्पॉन्स, इतनी इतनी बात कह के समाप्त कर देता हूँ, हाँ इतना ही समाप्त कर देता हूँ कि एक एक बस एक आधा सेकंड चाहता हूँ आपसे राजपूत साहब। तो ऐसी पार्टियां जो इस तरह की बात कर रही, और सच्चाई है कि जिसका उत्तर प्रदेश में जो न 3वें न 13वें कहीं नहीं है, एक सांसद ले दे के अब बच गई है, पिछले 30 साल से सत्ते में सत्ता में नहीं, और कुल 7 विधायक वहां पर बैठे, आगे वहां न आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन बस कहना है, खुद ख्वाब भी देखना है तो देखें। सुरेंद्र राजपूत, अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत, के शर्मा जी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद बहुत अहंकारी हो गए हैं। मैं आपको इनको बता दूं कि जनता तय करती है, राजा, अब आज की डेट में राजा जो है वो रानी के पेट से नहीं पैदा होता, वो वोट के क्या नंबर उससे पैदा होता है, जनता के वोट से पैदा होता है। के शर्मा जी को ध्यान रखना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, 1984 में गांधी परिवार से पैदा नहीं होता, एक सीट है, सुनिए 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 सुन, गांधी सुन, परिवार से पैदा, अब आपके बीच में गांधी परिवार से पहले स्वीकार लीजिए, आप आपके बीच में नहीं कि ये देखिए प्रतीक भाई, ये आप अपने नियम जो है ना, ये आप खुद ही तोड़वा देते, बस याद दिला दिया, ठीक कोई बात नहीं, याद हम आपको बता देते हैं, गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री 1989 से नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1989 से आज तक कोई गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, आखिरी राजीव गांधी जी थे, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि 1984 हमारे पास तो उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, देश में 54 या 55 है, 1984 में भाजपा के पास तो पूरे देश में 2 सांसद थे, तो ये जनता है, अहंकार मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, जब आप आ जाते हैं ना, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आप राम मंदिर पर, तब आप धर्मांतरण पर, तब आप तुष्टीकरण पर, तब आप सुस्तीकरण पर, तमाम मायावी चीजों पर आ जाते हैं। इस बार जनता किसी मुद्दे में नहीं फंसने वाली। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए, लेकिन चंदा चोरों से बचाव होना चाहिए। जिन लोगों ने भी चंदे की चोरी की है, डाका डाला है, उन सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए हैं। उनमें से एक तो आपका वहां का मेयर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इनकी जांच न करके आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका विषय है, हम नहीं कहते कुछ इस बात पर। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम आपको बताएं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती भूख, बढ़ता भ्रष्टाचार,
और बढ़ती हुई जो महिलाओं के प्रति अपराध है, आराम से जनता आपको जवाब देगी। एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आपको ये भी जवाब देना होगा कि योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा या मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको यह भी जवाब देना होगा कि योगी जी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दी है, मोदी जी उसका क्या जवाब देंगे। आपको यह भी जवाब देना होगा कि पीएमओ से आया हुआ अफसर आपने 17वें नंबर का उपाध्यक्ष बना दिया उप मुख्यमंत्री बनाने की जगह पर। आपको यह भी जवाब देना होगा कि पिछड़ों को, दलितों को, जिन लोगों को आपने जो पोल प्रॉमिसेस किए थे वो कहां हैं। आने वाले समय मैं आया, में मैं पूरी आ गया, देश मैं आया, की जनता जी बिल्कुल जनता संजय कुमार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। के शर्मा वेरी क्विक रिस्पॉन्ड, वेरी क्विक क्योंकि मैं बस छोड़ जाना, बस मैं सुदेन जी को याद दिला दूं कि 1989 के बाद इसलिए सुदेन जी आपका कोई गांधी परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कि उसके बाद आपकी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ही नहीं। और यदि पूर्ण बहुमत गठबंधन की सरकार में सोनिया गांधी ने कोशिश किया था तो यही मुलायम सिंह ने टांग खींच ली थी, आपको याद होना चाहिए। तो सोनिया जी को बनने नहीं दिया था, तो किसके बाद बहुमत भी नहीं थी कि आप बना पाते, गठबंधन आपको स्वीकारता नहीं है इस गांधी परिवार को। अब आगे इन्होंने कहा मंदिर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतीक जी, उसका जवाब जरूर मैं देना चाहूंगा। इन्होंने दुनिया भर के आरोप लगाए, मैं इनको चुनौती के साथ कहता हूं कि यदि आप में दम है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जाइए और जाकर वहां पर अपने रिट दायर कीजिए और उसमें वहां पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि ऐसा झूठ आप राफेल के दौरान भी बोलते रहे, आरोप लगाते रहे, हमने बार बार आपसे राफेल में कहा कि आप कोर्ट में जाइए तो आपके नेता क्या कहते थे, कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कर देगा। तो आपको तो देश के कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आपको देश के न्यायालय पर विश्वास नहीं है। राफेल में आप 2 साल यानी प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं बोला आप लोगों ने, 2019 में आपको जवाब दिया देश की जनता ने और बिल्कुल ही आपका सफाया कर दिया। इसलिए भगवान राम के मंदिर को लेके ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, वरना हम पता है आप अड़ंगा लगा के इस मंदिर के कार्य को रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मंदिर का कार्य ना हो सके और इसमें रोज झूठे आरोप लगाकर और इस कार्य को मैंने लिया। संजय कुमार मैं आ रहा हूं, आप याद रखना संजय कुमार जी नहीं बचोगे। संजय कुमार जी के पास नहीं गया हूं, मैं संजय कुमार जी के पास जाना चाहता हूं, मैं फिर आता हूं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं, मैं आऊंगा सुरेंद्र जी मैं आऊंगा, बिल्कुल टाइम आपको दूंगा। मैं संजय कुमार जी मैं जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा दिए, अब एक दो सवाल तो मैंने भी पूछे थे आपसे कि क्या परिवर्तन है और नई राजनीति की बात समाजवादी पार्टी ने करी है, चुनाव नजदीक है, तमाम गठबंधन, हालांकि किसी ने कोई बड़ा गठबंधन कोई चेंज दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद अगर अभी कौन कहां खड़ा है पॉपुलरिटी के चार्ट पे अगर हम करें तो कहां पाते हैं। संजय कुमार जी देखिए मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, अभी अगर पॉपुलरिटी के चार्ट पर देखें तो मेरी समझ से भाजपा अन्य सभी पार्टियों से आगे खड़ी है और इसकी वजह बहुत साफ है, अपोजिशन बिल्कुल बिखरा हुआ है, वो एक तरह से कोई आशावान राजनीति का कोई संदेश देने नहीं दे पा रहा है, जनता उस तरह के संदेश इन पार्टियों से कोई संदेश नहीं मिल रहा है, विपक्ष जब भी बिखरा रहेगा, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा अगर यूपी में, और अगर हम यूपी की बात क्यों करें, किसी भी राज्य में जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। प्रतीक जी देखें अगर आप 2014, 2017 और 2019 के चुनावों को देखें, इन तीनों चुनावों में बीजेपी ने अपने गठबंधनों के साथ तकरीबन 42-45% वोट हासिल किए थे। बीजेपी अगर ये चुनाव बीजेपी हारेगी तो उसकी स्थिति ये होगी कि बीजेपी को कम से कम 12-13% वोट लूज करने होंगे, बीजेपी को कम से कम 30-32% पर जाना होगा और किसी दूसरी पार्टी को उससे आगे निकलना होगा। पिछले 7-8 साल में कोई ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं हुआ, ऐसे विधानसभा चुनाव भी जो बीजेपी हार गई है दोबारा चुनाव लड़ते हुए, जैसे झारखंड है या हरियाणा में चुनाव हारी तो नहीं लेकिन अपने दम पे सरकार नहीं बनाई, कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि बीजेपी 10-12% वोट लूज की। ऐसी स्थिति में यूपी में मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि बीजेपी कोई दूसरा सवाल। संजय जी दूसरा सवाल, चैलेंज कांग्रेस ने तो कह दिया आपके सामने, कांग्रेस ने बोल दिया कि चलिए हमें अपनी कमजोरी मालूम है, तो अब चैलेंज किस कौन दे रहा है, समाजवादी पार्टी, बसपा का फिर मैं रोल जानना चाहता हूं।
नहीं, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से इस वक्त तो समाजवादी पार्टी ही चैलेंज देती हुई दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस तो कहीं रेस में दिखाई नहीं पड़ती। और बसपा में जिस तरह से भगदड़ मची हुई, देखिए परसेप्शन चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और परसेप्शन ये बनने लगा है कि समाजवादी पार्टी ही चुनावी मुकाबले में है बीजेपी के खिलाफ, इसी के लिए बसपा में भगदड़ है, बसपा के लोग सपा ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है बसपा ने के मायावती ने जो करवट ली पिछले एक दो दिनों में वो हरकत में आई है, लेकिन इसके पहले बिल्कुल बहुत ही डॉर्मेंट रही पार्टी। मायावती जी खुद बहुत डॉर्मेंट रही, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। उससे एक ऐसा माहौल बनने लगा कि शायद चुनावी मुकाबले में तो अखिलेश ही हैं, तो मुझे लगता है चुनावी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। राइट, इट्स टू अर्ली, ये बात सच है कि बहुत 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 इनिशियल स्टेज है और बहुत सारा पानी गोमती में बहेगा, बहुत सारा पानी और बहुत सारे चेंज है। लेकिन हाँ, मैं सतीश प्रकाश जी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो सीधी सवाल उन्हीं की तरफ जाता। संजय कुमार जी मैं आता हूँ, ये विश्लेषण है, संजय कुमार जी का अपना विश्लेषण है, मैं जानना चाहता हूँ सतीश प्रकाश जी आपका व्यू। राइट, आपका कुछ व्यू पॉइंट है जरूर। जी जी, देखिए प्रतीक जी, संजय कुमार जी एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक है और उनको अपने विचार रखने का एक तरीका है। ये हो सकता है जो वो कह रहे हो, ये भविष्य है, राजनीति में कुछ निश्चित नहीं होता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि देखिए राजनीति में जो कल हुआ था वो आज नहीं हो सकता। बीजेपी ने 2014 से लेकर के जितने भी राज्य में चुनाव लड़ा है और जहां भी सफलता प्राप्त की है, उसकी सफलता के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि वो कभी बाईपोलर इलेक्शन नहीं चाहती। वो हमेशा द्विकोणीय इलेक्शन चाहती है, बाईपोलर इलेक्शन चाहती है, बहुकोणीय इलेक्शन जो है बीजेपी नहीं चाहती। और यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश की कमजोर बीजेपी को यह बात पता लगती है कि तमाम बीजेपी के आईटी सेल और तमाम तंत्र सिर्फ एक पार्टी का नाम लेकर के ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ इलेक्शन सिर्फ हमारे और इस पार्टी के बीच में है। क्योंकि आज राजनीतिक क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, कल को यही राजनीतिक ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं आपका धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल जाएगा। तो दो हिस्सों में आप पूरी सोसाइटी को बांटो, एक के ऊपर दावा हम ठोक देंगे, दूसरी पे दावा तुम ठोक दोगे। और उत्तर प्रदेश के जो जनमानस के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और असुरक्षित माहौल, इन्हीं के ऊपर। राइट, मैं पूछ लेता हूँ, एक सवाल और है संजय जी। राइट, संजय जी, यही जनमानस पोस्ट कोरोना के समय, अफकोर्स सतीश जी मैं आपके व्यू पॉइंट से को लेता हूं और इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीएसपी। लेकिन हाँ, कुछ चीजें थी जो विश्लेषण की जा रही हैं। संजय कुमार जी, एक सवाल और है मुझे, मैं मिस कर गया था। और सवाल ये है कि कोरोना के समय यानी फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव, उसमें गंगा वाला इशू जो मैंने सवाल पूछा था, उससे क्या असर आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और लोगों के मन में क्या है? देखिये प्रतीक जी, ये कहना तो बेईमानी होगी कि कोई असर नहीं आया। असर जरूर आया है। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार का कामकाज उतना अच्छा नहीं रहा जितना वो उम्मीद करते थे। लेकिन इनकी तादाद उतनी बड़ी नहीं है जिससे बीजेपी चुनाव हार जाए, बीजेपी का वोट 10-12% नीचे गिर जाए। उनके वोटों में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन इतनी नहीं गिरावट आएगी कि वो चुनाव हार जाएंगे। और जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं आज की स्थिति देखते हुए कह रहा हूँ, चुनाव में भी 8 महीने बाकी हैं, चीजें किस तरफ मतलब डायरेक्शन में जाएंगी वो भविष्य की बात। राइट, मैं चुनाव का बिल्कुल एकदम आगाज भी नहीं है अभी, कह सकते हैं पेड़ पे कोपल भी नहीं निकली है। मैं मानता हूँ संजय जी आपकी बात को, मानता हूँ कि पेड़ पे कोपल भी नहीं लगी है, और उससे अंदाजा लगाना अभी के मौके पर। ऑफ कोर्स सुरेंद्र राजपूत, आपका टेक। सुरेंद्र राजपूत, देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट है। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस कमजोर है, हमने कहा कि मान लीजिए विपक्ष कमजोर है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक मायावी पार्टी है, मायावी लोगों से लड़ने की ताकत जो विपक्ष में नहीं, ये बात हुई, ये क्या बात हुई? अब भाई वो मायावी है तो आप भी युद्ध के लिए तैयारी करिए, चुनाव तो लड़ना है ना, कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और वही बंगाल जैसे नजर आएंगे। बिल्कुल, ये बता दीजिए पहले कि आप बंगाल जैसे नजर आएंगे या उत्तर प्रदेश में फोर्स की तरह नजर आएंगे, ये भी तो बात है।
प्रेम राजपूत, आपको आपको पूरी पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं प्रतीक भाई, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में हम सत्ता के पास पहुंचेंगे, सत्ता बनाएंगे या साथ रहेंगे वो अपनी जगह पर, लेकिन पूरी ताकत से हम सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे पिछले पूरे चार साल हो, महिलाओं के प्रति अपराध हो, बेरोजगारी हो या कोई भी चीज हो, इस वक्त हमने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो हमने कोरोनिल किट बांटी है, कोरोना की जो किट्स बांटी हैं 10 लाख के से ज्यादा सारे गांवों में, जिस तरीके से हम लोग कोरोना की फर्स्ट वेव में जनता के साथ खड़े थे, मजदूरों के साथ खड़े थे, सेकेंड वेव में जिस तरीके से हमने अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में सेवा की है, वो सारी की सारी चीजें जनता देख रही है। चुनावी राजनीति में बहुत स्पष्ट रूप से जनता का प्रतिमान सर्वोच्च होता है, इसीलिए हमने कहा हम जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अहंकार के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। के शर्मा हंस रहे थे, नहीं याद दिलाते, मैं वही कह रहा हूँ के शर्मा जी आप हंस रहे थे और जब सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे कि 2012 में आप सिर्फ 48 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी। के शर्मा जी आप हंस रहे थे जब सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे, और हमें पूरी उम्मीद है श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनाव में विजय की ओर बढ़ेंगे। जी जी के शर्मा, अरे भाई बंद तो आप लोगों ने करा ही रखा है के शर्मा जी, इमरजेंसी तो लगा ही रखी है आपने। अभी तो आपको हमें जवाब देना है राम मंदिर के मुद्दे पर भी। अरे आप कहा जनता रोकेगी और जनता ने आपको रोक दिया। नहीं नहीं इमरजेंसी, अब इनको थोड़ा बंद कराएंगे थोड़ा सा। इमरजेंसी लगाने का अनुभव तो सुरेंद्र जी आपकी पार्टी को है, क्योंकि लोग नहीं भूले इस देश में। बिल्कुल है, इस देश बिल्कुल है, हम उसके लिए क्षमा मांग चुके हैं और अघोषित इमरजेंसी क्षमा नहीं, आपके कुकर आपके आपके कुकर्म आपके उसमें छाए पड़े हैं, अभी वो पाप मिटेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान बहुत सही बात कही। पाप है हमारी जो जनता के ऊपर पाप आपने किया, इसलिए अब मैं अब इनको रोकिए, खात है ताकि रोकिएगा तब बोल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन आवाज। वो जनता ने आपको यही केवल कथा वाचने के लिए, कबीर को भी सुन लिया कि इतिहास कथा वाचने के लिए लगा दिया, इतिहास हम जानते हैं सब, हम सब देखिए। प्रतीक जी डिरेल हो रहा है आपका डिबेट। नहीं नहीं नहीं, कबीर कबीरदास जी तक है तो तब तक तो डिरेल नहीं है, जब तक कबीर है तब तक डिरेल नहीं है जी। मैं बोलिए के शर्मा बोलिए। हाँ जी सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने जब अपने नेतृत्व की बात की तो मुझे हंसी आई। मैं एक बार जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो 98 के चुनाव के समय से ही लगातार वो अपनी माता जी का और अपने भाई जो बाद में 2004 में लड़े, तो इनके दो चुनाव क्षेत्र को वो पूरी तरह से देखती थी, अमेठी और रायबरेली, तो लगातार उसका वो मैंने वहां का चुनाव प्रचार संचालन सब देखती थी। और यही देखते देखते 2014 आया, बाकी तो केंद्र वहां के उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा चुनाव हार गए, दो सीट बची, और 2019 में भी उन्हीं के नेतृत्व में इस दो जो है लोकसभा के चुनाव हुए, और किस तरह राहुल गांधी वहां से अमेठी की जनता ने हरा के इनको भेजा वहां से, अब बच गई है एक सीट। तो ये तो प्रियंका गांधी का वहां उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं उस पर जा रहा हूं, उसका आपके ध्यान आपको आकर्षित किया। रही बात सुनिए, ट्रैक रिकॉर्ड हमने जी एक बार सुनिए, अरे भाई अब सुनिए ना, अरे साहब आप क्यों परेशान हैं, राहुल और प्रियंका से आपको इतनी भारतीय जनता पार्टी याद लग जाती है, आपने तो पूरी की पूरी का नाम लेते ही याद क्यों लग जाती है, क्योंकि आपकी कलई खुल जाती है, आपकी कलई खुल जाती है, आपके पास एक परिवार का नेतृत्व है, एक गांधी परिवार के सिवा कुछ नहीं है आपके पास, आप लीड कर देते हैं, आप लोग ऐसे भगोड़े लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये प्रियंका गांधी का नेतृत्व है। अब आपको मैं आपको बताऊं, जब प्रियंका गांधी का नेतृत्व इस स्तर का है, जतिन पूरी पार्टी का विलय कर दे, जतिन प्रसाद तक तो नहीं रोक पाई हो, पार्टी का विलय क्या नेतृत्व है, एक अपनी पार्टी का आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पा रही है, डरपोक आपकी अपनी कांग्रेस कायर लोग, कांग्रेस के लोगों को नहीं रोक पा रही है, क्या समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं दोनों को रोकता, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ मैं आ रहा हूँ।
के शर्मा जी टोटली कंप्लीट करिए, एक लाइन जी कंप्लीट, एक लाइन में मैं कंप्लीट कह रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में आज इनके कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के नेतृत्व से नाराज होकर बाहर निकल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आज दो वर्षों से जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, एक भगोड़ा जो अध्यक्ष था इनका राहुल गांधी 2019 के बाद जो नहीं अच्छा नहीं, मैं इसको सिद्ध करने की ताकत रखता हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ बिल्कुल आप मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ये भगोड़े हैं, जो ये भगोड़े अध्यक्ष है, भगोड़े तो अध्यक्ष का क्या होगा, इसलिए ये भगोड़े अध्यक्ष है, परिवार से भाग, देखिए मैं आपको बता दूं, वो देश का ना 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 ना, मुझे मालूम था सुरेंद्र राजपूत जी, ना 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 सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी मर्यादा मर्यादा मर्यादा, मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हो और चर्चा थोड़ी देर में गरमाने न लगे, हो ही नहीं सकता अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बात हो तो लाजमी है। शिशुपाल यादव जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो ये तो अभी मिजाज ये पता चला कि आप ही सामने हैं और आप ही से युद्ध हो रहा, अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये तो बिल्कुल एकदम बेहतर स्थिति है, लेकिन ये भी सवाल उठा कि ताकत कहां से आएगी, फोर्स कहां से आएगी, नई राजनीति की तो आपने बात कर दी लेकिन वो जमीन कैसे बनाएंगे, ये एक समस्या है, कहां से किस तरह से खड़ी होगी वो जमीन। शिशुपाल यादव, पंचायत के चुनाव में जी भाजपा को प्रत्याशी ढूंढने पड़े, मतलब इनके लोगों को पसंद नहीं किया, लोगों ने इनके टिकट लेना पसंद नहीं किया, जिला पंचायत के लिए, बीडीसी के लिए, उसके लिए, तो ये स्थिति हो गई कि इनके पूरा संकेत मिल गया है उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव का, इस चुनाव 2017 के पहले जो 2017 के पहले जो पंचायत चुनाव हुए उसके जो आंकड़े हैं वो आपके फेवर में नहीं थे। चलिए अब तो हमारे फेवर में इस चुनाव में रहे हैं और आगे ये संकेत हैं अगले आने वाले चुनाव में, श्रीमान जी ये हर जगह नाकाम साबित हुए हैं, चाहे वो कोरोना से लड़ने में, चाहे वो किसानों की समस्याओं से, हर समस्या का इनके पास कोई जवाब नहीं है, केवल हर जगह ये जहां कोई मुद्दा नहीं होता ऐसे मुद्दों को उखाड़ कर लाते हैं जिससे जनता भ्रमित हो जाए, और जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता अब समझ चुकी है बिल्कुल बिल्कुल। शिवपाल यादव जी मैं आपके पास हाजिर होता हूं, लेकिन एक वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर रुक करूंगा इस डिबेट की तरफ। जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, एक बार फिर से मैं अपने पैनल की तरफ रुक करूंगा। मायावती जी का एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये बात, वही स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये बात कही कि नाटकबाजी में बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस सब एक जैसे हैं, दलित अत्याचार के मामले में सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सतीश प्रकाश जी कैसे बनेगी एकता और कैसे तैयार होगी जमीन? नहीं नहीं देखिए प्रदीप जी, ये नजरिया दलितों के प्रति इस तरह का जो नजरिया है आजादी के इतने बाद भी कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। देखिए आप ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और आम तौर पर के जानबूझकर के, चाहे वो दलित हो या कोई भी वर्ग हो, जो कमजोर है उसकी ताकत को हमेशा कमजोर दिखाया जाता। अभी ग्राम पंचायत चुनाव का अगर मैं आपको मुझे ये बताइए सतीश प्रकाश, डिबेट तो ओपन है, मुझे एक चीज, एक सवाल का जवाब दीजिए बहन जी, जो बात संजय कुमार जी ने कही, बहन जी चुप क्यों है और इतने दिनों तक चुप क्यों रही, आखिर क्या वजह है? और आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है सतीश प्रकाश जी? जी सतीश जी मैं एक बार फिर से रुक करता हूं, फोन कट गया आपसे, बातचीत का सिलसिला फिर एक बार जोड़ेंगे आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी, जी मैं आ रहा हूं, मैं के शर्मा जी आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत जी हाथ उठा रहे थे। जी 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 पहली बात तो राजनीति से इतर कुछ अच्छी बात भी हो जाए हम लोगों की, प्रतीक भाई मैं आपको धन्यवाद और आपको बधाई देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि और कोई आपका ऐसा शो होगा जहां 20 मिनट तक लगातार एड चल रहे हो, तो आप सबसे बड़े एड अर्नर हैं इस चैनल के, इसके लिए आप बधाई लीजिए और मैं आपको भी बधाई देता हूं, आप प्रतीक त्रिवेदी मैं आपको भी बधाई देता हूं, मैं आपके धैर्य की, तमाम सारे प्रवक्ताओं के धैर्य की, मैं निश्चित तौर से मैं बहुत 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 विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कि आपके धैर्य आपके सब्र को मैं बधाई देता हूं। और अगर दर्शक जो बचे रह गए होंगे, जो देखने में आए रह गए होंगे, मैं उनके भी सब्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप बताइए अपनी बात। जी
नहीं, धैर्य तो निश्चित तौर पर प्रतीक भाई, आपको सुनने के लिए लोग खड़े खड़े रहते हैं, जब शहरों में खड़े रहते हैं तो टीवी पर तो बैठे रहेंगे ही। खैर, अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों से प्रतीक जी जिस तरीके से समाज के हर वर्ग के ऊपर लाठी चलाई है, आप देखिए आज की डेट में किसान आंदोलन देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देश में किसान आंदोलन फैला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पे कब्जा करने के लिए वहां लाठी चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं और किसान सब्र के साथ वहां बैठा हुआ है और उनके साथ ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका जवाब इनको चुनाव में मिलेगा, गांव गांव का किसान इनको देगा। जिन लोगों को बेरोजगारों पर जिस तरीके से पटना में नौकरियां बांट रहे हैं ना लठ चला करके, तो जनता लठ लिए खड़ी हुई है। आप आइए चुनाव में, आपको आपका स्वागत भी उसी तरीके से होगा जिस अंदाज से किसानों मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। मैं संजय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन ये सवाल बार बार जहां तक ग्राउंड रिपोर्टिंग्स में है लोग वो ये बार बार कह रहे हैं बात और ये सुनी भी जा रही। मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर दे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पे किसानों के आंदोलन का असर है, क्या ये असर डालने में सफल रहा है? अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की बात करूं, पूर्व और सेंट्रल यूपी की बात नहीं करता मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। नहीं बिल्कुल प्रतीक जी, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें और जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से किसान नाराज है, और ये किसान क्या है, किसान एक तरह से अगर आप ओवरलैप करें जातियों से तो किसान समुदाय में बड़ी संख्या में जाट वर्ग के लोग हैं, इनकी नाराजगी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है बीजेपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन कोई 50-52 विधानसभा की सीटें हैं, इन इलाकों में तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन का जो एक तरह से असर नतीजा जो है असर जो है वो बिल्कुल बीजेपी में दिखाई पड़ेगा। उसकी आरएलडी और समाजवादी पार्टी का असर, मैं आ रहा हूँ के शर्मा आ रहा हूँ, बिल्कुल जानना जरूरी है ये संजय कुमार जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ दिखता है वो असरदार रहेगा वहां पे? बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठजोड़ की को भारी सफलता मिलेगी और ये इलाका है जहां बीजेपी को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह बहुत साफ है। ये जो पूरा इलाका है यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों में जाट बाहुल्यता बहुत ज्यादा है, तो उनकी नाराजगी स्पष्ट है। वो बीजेपी को वोट देते रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव में बड़ी संख्या में, सर्वेक्षणों के आधार पर अगर देखें तो जाटों के वोटों में कम से कम 70-80% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था 2019 का चुनाव, 2017 का चुनाव। इनका वोट एकमुश्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ जा सकता है अगर दोनों ने गठबंधन किया। राइट, अब मैं आता हूं के शर्मा जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, 10 सेकंड में दे देता हूं सुरेंद्र राजपूत जी को, जो अपनी बात कंप्लीट कर ले, मैंने बीच में तो टोका था उन्हें। सुरेंद्र राजपूत जी कंप्लीट कर लीजिए, आ रहा हूं। सतीश प्रकाश जी सर, बहुत धन्यवाद। पहली चीज, संजय जी से सहमत हूं, वहां पर 50-60 सीटें नहीं है, 120 सीटें हैं। इनके गांवों में घुस जाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े जो मंत्री हैं इनके, चाहे संजीव बालियान हो चाहे वो सुरेश राणा हो, मैं नाम लेके कह रहा हूं, ये लोग गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। दूसरी मैं आपको बात बताऊं प्रतीक भाई, जो बेरोजगारों के प्रति इस सरकार का भाव है, उस प्रभाव में पूरी तरीके से आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो इनके अत्याचार की सीमा है, अपहरण एक उद्योग की तरीके से हो गया है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, हर जिले में आपको अपहरणकर्ता मिल जाएंगे। और जिस तरीके से डीएम और एसपी के नाम पर, डीएम और एसपी के सहयोग से ये लोग जिला पंचायत को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जनता की आवाज को दबा रहे हैं। एक पॉइंट जरूर हम कहेंगे, योगी के प्रशासन में लोगों ने यह कहा है कि जो सख्ती रही है, जो खासतौर से उन लोगों पे जो दबिश, उन लोगों पर सख्ती दिखाई जो कि माफिया जैसे या माफिया जैसी छवि थी। संजय कुमार जी, ये बिल्कुल सही पॉइंट, एकदम सही एनालिसिस का पॉइंट है। लेकिन संजय कुमार जी, एक शॉर्ट टिप्पणी, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ये सारे के सारे माफिया जेल में थे इस सरकार से पहले, 2004 से जेल में। लेकिन मैं तो बस एक जो एनालिसिस है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। संजय जी बिल्कुल, संजय जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, तमाम तरह की कमियां हो सकती है बीजेपी के शासन में, लेकिन ऐसी छवि जरूर है योगी आदित्यनाथ की, इनकी
इनकी जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो बहुत सख्ती का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। हर चीज खराब नहीं रही है बीजेपी के बारे में, मैं जनता के मन की बात कह रहा हूँ, जिस तरह से जनता सोच रही है बीजेपी सरकार के बारे में, कोविड के मैनेजमेंट और उन सब चीजों के बारे में लोगों की नाराजगी है, लेकिन ओवरऑल एक इमेज ऐसी बनी हुई है योगी आदित्यनाथ की कि ये सख्ती से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये छवि तो बिल्कुल साफ है। राइट, समाजवादी पार्टी के समर्थक शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, लगातार स्पष्ट बहुमत देती है, 3 बार हम सरकार देख चुके हैं और सब सरकारों के काम देखे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से जनता खुश है। आज समीक्षा करने के बाद तमाम गांव के लोग, दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों में जो अंतर पैदा करके जो समाज भाजपा फायदा उठाना चाहती थी, अब इसका फायदा नहीं उठाएगी। अब अति पिछड़े, पिछड़े और दलित सब एकजुट हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। और योगी जी की जुमलेबाजी लोगों के काम नहीं आएगी। राइट, प्रशासन पर, शासन पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। राइट, के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। जी देखिए, मैं शिशुपाल जी का भी, उनका भी और सुरेंद्र राजपूत जी जो है, उन दोनों के प्रश्नों का जवाब केवल एक उदाहरण से दे देता हूँ। शिशुपाल जी ने कहा कि भाजपा की वो हालत हो गई है कि पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी भी हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको जानकारी क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अनुभव थोड़ा कम, मुझे लगा कि थोड़ी जानकारी कम है। अभी प्रतीक जी 75 जिला पंचायत चुनाव के नामांकन भरे गए, 18 सीटों में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, वहां कोई कंटेस्ट में है ही नहीं, भाजपा के सामने खड़ा ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं ये क्षेत्र कौन से हैं। मैं बता दे रहा हूं ना उनके सामने, क्योंकि वो उसी उससे आते हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। वो भी जो किसानों का बात कर रहे थे, ये क्षेत्र कौन से हैं? वो कह रहे हैं कि गांव में घुस नहीं पाएंगे इस बार। गाजियाबाद 120 सीटें ऐसी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां आप घुस नहीं सकते। आप सुन तो लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, 17 सीटें आप सुन तो लीजिए जी। उसमें सीट है मेरठ, उसमें है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, आगरा, ये सब क्षेत्र किधर के हैं? मैं अभी पूरा 17 भी गिना सकता हूं आपको। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पर, हाँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर भाजपा जो है लगभग इनके प्रत्याशियों को जीतना तय है इसमें, क्योंकि सामने कैंडिडेट नहीं है। तो आप ये अभी जो मेरे समाजवादी मित्र जो कह रहे थे, तो वो पहले इस बात को तो समझे, हमसे कह रहे कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है और हम जो है यहां निर्विरोध जो निकल जाएंगे। तो इसलिए ये कह देना कि ये नाराजी, इससे आप आकलन लगा दिए सारा उसका कि किसान नाराज हैं। ये देखिए प्रतीक जी, हम भी जमीन पर हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम पूरा फीडबैक लेते हैं। हम कुछ लोगों के प्रतीकात्मक आंदोलन किससे कुछ फर्क नहीं होता है। आज कॉन्ट्रैक्ट खेती इसी बुलंदशहर में, आज गाजर की कॉन्ट्रैक्ट खेती ले लीजिए, या अन्य लखनऊ के आसपास जितने जो क्षेत्र हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए। आज जिस तरह के वहां किसानों को जो खेती में संलग्न है और जिस ढंग से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती करके और जो नई उपलब्धियां अर्जित की हैं, वो सब इस आंदोलन की वास्तविकता को जानते हैं। तो इसलिए आप ये कहना कि वहां पर इसका कोई बहुत ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो अभी क्या है, ये आकलन आसान हो सकता है, आप कह सकते हैं कहना। जी बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बहुत एक बड़ा पुराना, फिर प्रतीक भाई आपको देख के शेर याद आ जाते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा सा तरमीम किया है कि भाजपा आवाम पर इस कदर एहसान करती है या भाजपा किसान पर इस कदर एहसान करती है, जी भाजपा किसान पर इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। यह भाजपा का पूरा चरित्र है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी आप साहब के शर्मा जी, आप 75 के 75 निर्विरोध करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब जनता से वो सदस्य चुनाव हारे, बाद ईवीएम पर आरोप,
अब ये चुनाव में इनके अरे भाई आइए ना अरे 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 के शर्मा आप चिंता मत कीजिए कर रहे हैं वहां साहब ओहो चुनाव आयोग के ऊपर आप प्रश्न उठाने वाले बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं आप पहले वैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखिए आप 150 जीत जाइए वैधानिक संस्था अरे साहब ये भी तो चुनाव आयोग कराएगा ये चुनाव कौन करा रहा है झूठ बोलने से पहले ये आपकी पुरानी शकल है पुराना झूठ है आपका आप न्यायालय के न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में ना है तो न्यायालय को झूठ और ये जो डीएम और एसपी यदि चुनाव आयोग का फैसला ना आए तो ईवीएम आपकी गलत हो जाती है आपके ऊपर जिला पंचायत में आपके कैंडिडेट मेरी बात को वहां पर खड़े हो पाए हैं इसलिए आज जो आपके साथ देकर के जिला लड़वा रहे जितवा रहे हैं एक बार वन बाय सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे ये झूठ की राजनीति मत कीजिए यहाँ पर बैठ के आपको आपको अपनी औकात समझ में आ गई होगी आराम से आपके पास बहुत आराम से आपकी देख रखी है तसल्ली के साथ शब्दों का इस्तेमाल ये इन गली के गुंडों की औकात हमने देख रखी है एक चीज छोड़ दीजिए 75 जिलों आपकी औकात आपको जनता ने औकात दिखा दी आपको जनता ने औकात वहाँ दिखाई है हम क्या है बता दें दिखाइए 150 सीटों पे करा लीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो डीएम और एसपी संजय कुमार जी 200 विधायक भाजपा के 200 विधायक विधानसभा में योगी के खिलाफ बैठे थे धरने पर ये भी अपने आप जनता ने चुनाव आपको हराया है और आप डीएम और एसपी के जरिए आप जो लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं इसका आपको प्रतिकार राइट सर राइट सर राइट राइट थैंक यू मैं संजय कुमार जी देखिए जवाब उत्तर प्रदेश का चुनाव और उससे पहले पहले की भूमिका और अभी बहुत बहुत वेरी इनिशियल स्टेज तमाम सारी बातें हैं और ये भी बात होने लगी कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ है और बहुत सारी बहस हुई अब जानना यह है कि कुल मिला के जैसा कि आपने कहा कि अपोजिशन बिखरा हुआ नजर आ रहा है वो एक पॉइंट जो है बस प्लस पे है लेकिन कामों का विश्लेषण क्या महत्व रखेगा चुनाव में या नहीं परसेप्शन ही काम आएगा संजय कुमार देखिए कामों का विश्लेषण भी महत्व रखता है लेकिन जिस तरह से आजकल की राजनीति चल रही है अगर आपने काम सचमुच बेहतरीन किया है कुछ राज्य ऐसे हैं उन राज्यों का जिक्र अगर लेना हो तो कह सकते हैं जैसे दिल्ली की सरकार का तो अगर काम बहुत बेहतरीन है तब तो आप कितनी भी तिकड़म कर लें सरकार को हरा पाना मुश्किल है लेकिन मुझे नहीं लगता है यूपी की सरकार का काम इतना बेहतरीन है कि सिर्फ वो काम के बदौलत चुनाव जीत जाएंगे लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि बिल्कुल उनका पत्ता साफ हो जाएगा एक मिक्स्ड रिपोर्ट है रिपोर्ट कार्ड है कामों की कुछ चीजों के बारे में लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा काम काज हुआ लेकिन कुल मिलाकर करके संतोषजनक काम लोग कहते हैं यूपी की सरकार राइट सर थैंक यू सर बहुत इनिशियल है अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता जैसा मैंने कहा था गुमती में बहुत सारे पानी अभी बहेगा और बहना बाकी है मैं आपसे लगातार इसी मुद्दे पर भी मुखातिब रहूंगा और तमाम सारी चीजें लेकर हाजिर होता रहूंगा लेकिन आज अभी